हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। आने वाले 20 साल तक का आपकी आल औलाद को भी झेलना पड़ेगा, या तो आपको यहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा। ये मेहरबानी करके इन लोगों को बोलना भाई, ये पॉलिटिकल चीज बंद कर दो। इसके अंदर हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को सुकून से हमारे एमएससीबी का जो बिल आ रहा था 400-500-600 वही चाहिए हमको। हम लोग दबने वाले नहीं, हम लोग इसकी आवाज बंद करने वाले नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं उनको ये बोली, जो कंप्लेंट दिया वो आदमी किधर है। तो हम लोगों ने सामने से हम लोग को धमकी दी कि अगर रिप्लेस नहीं करने देंगे तो हम लोग आपके पावर कट कर देंगे, फिर देखते हाँ। आप क्या यूज कर दे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये झूठी कंप्लेंट है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुमरा के संजय नगर में सोमवार के दिन टोरेंट पावर के कर्मचारी मीटर संबंधित काम करने के लिए गए थे। उस दौरान संजय नगर के रहने वाले लोगों ने टोरेंट कर्मचारियों का विरोध किया था, उन्हें वहाँ पर काम करने नहीं दिया। और अब जो बात सामने आ रही है कि टोरेंट कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसके मामले में राहिल और टाइगर नाम के दो व्यक्तियों को जो है मुंब्रा पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद संजय नगर की जो है तमाम महिलाएं मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस अधिकारी जो है यहां के सीनियर पीआई जो है उनसे बातचीत की, और उसके बाद जो है इन्हें 149 का नोटिस दिया गया है। जिस तरह से मुंब्रा शहर में टोरेंट पावर का विरोध हो रहा है और महिलाएं अपने घर से निकल कर इसका विरोध कर रही हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहा गया पुलिस स्टेशन में आपको आज? हमें ये कहा गया है कि पहले तो हमें कल फोन राहिल को आया था कि कंप्लेंट आई है आपके नाम की, तो राहिल कल उनके घर के अंदर प्रॉब्लम उनकी मम्मी की वजह से नहीं आ सके, तो आज वापस से जब कॉल आया तो फिर राहिल यहाँ पे आए तो मैं बोला मैं भी साथ में आ जाता हूँ करके। जब हम लोग यहाँ पे आए तो डायरेक्ट जो बंदे ने कंप्लेंट किया था वो उस वक्त वहाँ पे खड़ा हुआ था ऑफिसर लोग के साथ में, और उसने खाली ये बोले कि ये लोग थे करके बोल के, और वो वहाँ से हट गया और हम लोगों को अंदर डायरेक्ट बोले कि उनको बोले अंदर जमा कर दो करके। तो हमने पूछने के ऊपर के किस वजह से यानी हमको जमा करा जा रहा है, तो बताया गया कि बोले तुम लोगों ने बोले वहाँ पे बोले मारपीट करे, बोले तुमने मारे या टोरेंट वाले लोगों के ऊपर हाथ हाथ वगैरह उठाए करके ऐसा बोला गया। तो जबकि तो राहिल तो जब उस वक्त मसला हो रहा था राहिल सबके लास्ट में आया था, टोरेंट वाले के जाने के 10 मिनट पहले आया था, तो उस वक्त थोड़ी सी बस जबानी तौर से हम लोगों की यानी बातें चल रही थी, आवाम जो उनके विरोध में बात कर रहे थे, तो राहिल तो था नहीं, तो राहिल का नाम सबसे पहला क्यों आया गया है वो, और कंप्लेंट वो जो भी है मेरे हिसाब में सिर्फ एक ही चीज़ आ रहा है कि ये हम लोगों को दबाने के लिए, हमारे आंदोलन को ठंडा करने के लिए, हम लोगों के ऊपर दबाव डालने के लिए ये सिर्फ हमारे साथ में ये गलत काम किया जा रहा है। आज हमारे ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि हम लोगों ने हाथ उठाए हैं, राहिल ने हाथ उठाया या किसी ने भी हाथ उठाया बता रहे हैं। तो हम लोगों जब आज तक का यानी इतने वक्त से हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, हमने कभी किसी के साथ में यहाँ तक का गाली से तक का नहीं बात कर, लेकिन हम इसका विरोध जरूर करते आए हैं। लोग मजमे के साथ में आए हैं और आगे भी हम करेंगे, चाहे हमारा कोई साथ देवे या ना देवे, हम तो सिर्फ मुमरा के लोगों को आवामों को जगाने की कोशिश में कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, हमारा मसला नहीं है और हमारी ये आप सभी का मसला है और आप सभी को ये चीज़ों को आपको झेलना पड़ेगा। आने वाले 20 साल तक का आपकी आल औलाद को भी झेलना पड़ेगा, या तो आपको यहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा। सिर्फ ये बताया गया है कि आप लोगों ने बोले वहाँ पे हाथ उठाए हैं कर्मचारियों के ऊपर उनके टोरेंट के, जबकि वो ये चीज़ें हुई नहीं। हमारे पास खुद वीडियो क्लिप है पब्लिक की पूरी, जितने देर वो थे उतनी देर की हमारे पास में वीडियो है, जिसमें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लोग बोल रहे थे, इसके अलावा कोई चीज हुई नहीं है। ये इसी तरह टाइगर भाई ने बताया, राहिल भाई क्या ऐसा मामला वहाँ हुआ था, क्या मारपीट हुई थी? कुछ मारपीट नहीं हुई थी भाई, कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ उन लोग मीटर निकालने के लिए आए थे तो उनको लेडीज लोग ने मना किया कि तुम लोग मीटर वगैरह निकालो मत, उसके अंदर इन लोग ने भगा दिया गया वहाँ से उन लोग को। उसके बाद हाँ उन लोग थे बहुत सारे जनते, वो एक जन बोलता है क्या तुम लोग कल कैसा देते, तुम्हारे को लाइट कैसी आएगी, हम लोग देते। तो लेडीज लोग को अच्छा नहीं लगा उसकी गलत बात करने का उसका टोन, तो लेडीज लोग ने उन लोग से बोले कि तुम लोग तो बस लेडीज और उन लोग की बात हुई,
ना इसमें कोई जेंट्स था ना कोई था, हम लोग सब दूर दूर में सबसे लास्ट में आया, सबसे दूर खड़ा था मैं। तो उन लोग ने छुट्टी आके इधर कंप्लेंट किए। अब कंप्लेंट तो किए, मेरे को कल फोन किया गया, परसों झगड़ा रात में हुआ बरोबर, ये मतमत भी टोरेंट वाले आए थे शाम में 4-5 बजे के टाइम परसों। कल दोपहर में मेरे को 5 बजे कॉल आया यहाँ से चौकी से कि आप आओ। परसों जब झगड़ा हुआ तो कॉल भी परसों आना चाहिए था मेरे को, कल क्यों आया कॉल? और अब मैं साहब लोग को अंदर पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों, मेरा नाम क्यों लिया जब मैं नहीं था? तो साहब लोग बोलते चल अंदर बैठ गया, मेरे को अंदर बिठा गया। अब मेरे को, मैं जब पूछ रहा हूँ, मेरे को नोटिस भी दिया ये वाली, ये मेरे नाम से नोटिस भी दिया। जब मैं पूछ रहा हूँ नोटिस के अंदर झूठी तकरार है, तुमको सबको मालूम है तो भी तुम लोग नोटिस मेरे को क्यों दे रहे? तो वो भी मेरे को कुछ बताया नहीं गया, सीधे नोटिस मेरे हाथ में दे दिया गया सिग्नेचर करके। क्या नोटिस देते वक्त क्या कहा गया? कुछ नहीं बोले, ये दोबारा ये सब करना नहीं, बीच में आना नहीं, विरोध नहीं करना। मतलब विरोध मैं नहीं करता हूँ, विरोध पूरी जनता को, जितने को तकलीफ है लेडीज लोग सब करती है, लेडीज लोग को तकलीफ है, किसी को तकलीफ नहीं है, सब लेडीज लोग, हम लोग आधे से आधे कमा के खाने वाले लेडीज लोग हैं। ये मेहरबानी करके इन लोगों को बोलना भाई, ये पॉलिटिकल चीज बंद कर दो इसके अंदर, हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को सुकून से हमारे एमएससीबी का जो बिल आ रहा था 400-500-600 वही चाहिए हमको, और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। और हम लोग विरोध, आज तुम केस किए कल और भी कोई केस करो तो हम लोग फिर आएंगे चौकी में, हम लोग दबने वाले नहीं, हम लोग इसकी आवाज बंद करने वाले नहीं है। नोटिस मिला है, क्या लग रहा है आपको? आप लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं कोविड के खिलाफ, और आज नोटिस भी दिया गया, इन लोगों को अंदर भी रखा गया, तो क्या लग रहा है आपके आंदोलन इसी तरह से क्या चल पाएगा? नहीं, ये तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे अभी ना, हम लोग तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि सारा अभी तो उसने बताया ना तुमको कि पूरा सरासर झूठ है। मैं खुद भी अंदर जाके वो वर्कर साहब ना उनको जाके मैंने उनको पूरा बताया, मैंने सर देखो ये झूठ है और झूठी कंप्लेंट दी है, तो जिसने कंप्लेंट दिया ना वो आदमी किधर है? सबसे पहली बात तो मैं उनको ये बोली, जो कंप्लेंट दिया वो आदमी किधर है? तो वो बोले कि नहीं जाने दो, वो उसको हम लोग बाद में पूछ लेंगे या कर लेंगे, जब उन्होंने बोल के ये कर दिए। मैं नाम वगैरह बताए कि किसने? नहीं नहीं नहीं, नाम नहीं बताया। मैं कितनी देर तक वर्कर साहब के पास ही बैठी थी, मैं वहीं बैठी थी, उन्होंने कुछ नाम नहीं बताया। मैं बोली तुम उनको हाजिर करो ना जिसने बोला के मारा। सबसे पहली बात तो मैं ही बात कर रही थी, मैं ही वहाँ पे उन लोगों को बोल रही थी कि यहाँ पे नहीं लगाने का करके। हमारी अभी साहब लोग से बात चल रही है और अभी और भी हम लोग मीटिंग अरेंज करने वाले, जब तक हमारा सब कुछ पूरा अच्छे तरीके से हमको जवाब नहीं आता, फैसला नहीं होता, यहाँ पे कुछ काम नहीं होगा। हम सब लेडीज लोग ही बोल रहे थे, तो वो लोग क्या बोले हमको, लाइट बंद कर देंगे। मैंने क्यों लाइट बंद करेंगे, बिल तो सब लोग भर रहे हैं। मारपीट का जो आरोप लग रहा है, तो आप महिलाएं वहाँ पर तमाम महिलाएं, ये तो था भी नहीं, हुआ था क्या ऐसा? कुछ नहीं हुआ था, ये दोनों लोगों ने मारे थे क्या? कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, ये बाद में आया, लास्ट में आए, मैं ही बात कर रही थी, बता रहे थे हम लोग ने, कोई भी नहीं था, मीटर रिप्लेस ना कर, तो हम लोगों ने सामने से हम लोग को धमकी दी कि अगर रिप्लेस नहीं करने देंगे तो हम लोग आपके पावर कट कर देंगे, फिर देखिए हाँ। आप क्या यूज कर दे, ये उनकी धमकी थी। और कल जाके उन लोग ने हम लोग के बारे में ही झूठी कंप्लेंट की, इस पे लिखा है कि अगर यहाँ पर लिखा है इस नोटिस में कि हम लोगों ने उनको मारा, गाली दिया, बदतमीजी से बात की, बाकायदा हमने तो किया नहीं, कोई शख्स वहाँ पर था, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये झूठी कंप्लेंट है। अगर ये झूठी कंप्लेंट है, हम लोग ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो 149 का रूल ब्रेक करने का कुछ बनता ही नहीं है। हम लोग की ये पूरी, हम लोग के ऊपर ये पूरा गलत इल्जाम लगा हुआ है। अच्छा, तो वापस भी आके कर सकते हैं ना? अच्छा, आपके इलाके में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, ऐसी जानकारी मुझे है? पूरा कैमरा है, सब लगा हुआ है, रिकॉर्ड है, और सब ये पूरी जितनी भी लेडीज है ना सब लोग थे, ये तो था ही नहीं, कोई आदमी लोग आगे नहीं आया, हम औरतें ही बात करेंगे। और नहीं, ज्यादातर वो मेरे से भी बात कर रहे थे, कि ऐसी बातें, मैं बोली नहीं देखो मुझे इतना, मैं बोली मैं ऊपर चढ़ के आई तो मेरी सांस फूल रही थी और मुझे चक्कर आ रही थी, कुर्सी थी मुझे बैठने के लिए, मैं बोली बिल्कुल लगाने का नहीं, कुछ नहीं, जब तक हमारा जो यूनिट के तरीके से हमारे को बिल नहीं आता है ना, जब तक हम लोग नहीं लगाने देंगे। मैं हाँ ये बोली, अभी तो नोटिस दिया गया है कि आप लोग ऐसी हरकत दोबारा ना करें, क्या लग रहा है फिर टोरेंट कर्मचारी आएंगे, आप लोग फिर विरोध करेंगे? विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे विरोध, क्योंकि हम लोग के बच्चों ने हाथ नहीं उठाए, वो लोग झूठा झूठा इल्जाम लगा रहे हमारे पे, हम तो इससे ज्यादा विरोध करेंगे, ये हमारा कहना है, क्योंकि उन लोगों ने हमको धमकी दी है कि अगर तुम बिल नहीं भरेंगे, अगर हमको आने नहीं देंगे तो हम लोग लाइट बंद कर देंगे और नहीं हम आएंगे, ये गलत है। और ये बच्चा तो राहिल, ये तो सबसे लास्ट आया, जो इस लड़के को फंसाया जा रहा है, जो भी है टोरेंट का कर्मचारी, जो भी है सामने आके बोलो ना, पब्लिक के सामने आओ ना, चौकी में बोलने से क्या मतलब होता है? क्यों चौकी में बोलने से क्या मतलब? फंसा रहे, इसका मतलब एक को नोटिस गलत दे दिया, जो आदमी कमरे, एक आदमी 5 दिन से उस गली में चक्कर मार रहा था, और कल हम लोग गए थे, जब टोरेंट वाला आया हम लोग गए थे तो वो खड़ा था आदमी वहाँ पर, और उसी आदमी ने लगता शिकायत किया, 5 दिन से वो चक्कर मार रहा था, ये गलत कर रहे
रहे ना, ये तो जनता के साथ गलत हो रहा है, उसमें पुलिस वाले भी हमारे साथ गलत कर रहे हैं ना, हमारा साथ देना चाहिए था ना उनको। हाँ, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? हमने जब मजमा जब बना था संजय नगर के अंदर, जब पुलिस वगैरह आए थे, इन्होंने हमसे कहा था कि आप लोग एक लीगली हमारे को हमारे पास में एक एप्लीकेशन दो, हम भी आपके साथ देंगे। जब हमने एप्लीकेशन पे क्या किया पुलिस वालों ने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया इन्होंने, बल्कि अभी हमारे से ये कहा जा रहा है कि अगर टोरेंट के तरफ से अगर दो बार अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो हम आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक्शन लेंगे, हम डायरेक्ट केस बनाएंगे, हम आप लोगों के यानी ज्यादा से ज्यादा यानी कार्रवाई करे जाएगी हमारे ऊपर। किस चीज की कार्रवाई करेंगे? यानी इनका ये कहना है कि अगर हम लोग हमारे हक की अगर लड़ाई के लिए अगर ना खामोश हो जावे, लड़ाई न करे तो बेहतर है, और अगर लड़ाई करते हैं तो ये लोग हमारे ऊपर दबाव डालेंगे। किस लिए दबाव डालेंगे? क्योंकि बड़ी कंपनियां है, बड़े लोग हैं इसके अंदर शामिल, राजनीति आ रही है कि इसके साथ हमें जो हम लोगों को दबाया जा रहा है। इस चीज का सवाल का जवाब ना हमारे को आगे से भी नहीं मिल रहा है, ना राजनेताओं से मिल रहा है हमारे को। सिर्फ हमारे लिए ये चीज हुआ कि हमने ये मसला खड़ा करे थे कि हमको नया मीटर नहीं चाहिए, तो उन्होंने मीटर निकाल के लेके गए, तो ये हमारे को साथ में यानी खेल कर रहे कि ये अभी वक्ती तौर के ऊपर खाली मीटर लेके जा रहे हैं, फिर इसके बाद में यानी पब्लिक शांत हो जाएगी तो आगे से तो आहिस्ता आहिस्ता यानी काम करते हुए हमारे साथ में फिर ये लोग ये दबाएंगे। क्या माना जाए, पुलिस भी आप लोग को चेतावनी दे रही है, दोबारा करेंगे तो केस बनेगा, तो क्या लग रहा है आप लोगों को, कैसे करेंगे? हम लोगों को सिर्फ इतना चाहिए जिसने कम्प्लेन किया है और उसकी क्या कम्प्लेन है वो भी सामने आए, और जो कम्प्लेंट है वो चीज सामने बताइए, एक प्रूफ दीजिए हम लोग ने आपको मारा है तो उस चीज का प्रूफ दीजिए, या ये नोटिस का जवाब आप दीजिए। मीटर मांगते हैं हमको, बस नया मीटर हमको चाहिए नहीं। हाँ, चाहिए नहीं है, पब्लिक का डिमांड है, जो एमएससी का मीटर इन्होंने निकाल के लेके गए वो मीटर वापस लाके लगा दे, वही मीटर हमको लगेगा, ऊपर आगे का बढ़ेगा बिल, हम भरेगा नहीं, बात खत्म। चूना मीटर लगा हुआ है उसका भी बिल ज्यादा आ रहा है, चूना मीटर लगा। आपने सुना कि किस तरह से आज संजय नगर के लोग जो है यहाँ मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुँचे थे। बहरहाल मुंब्रा पुलिस ने राहिल और टाइगर जो दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया था, उन दोनों व्यक्तियों को जो है छोड़ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं संजय नगर के जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों को मुंब्रा पुलिस ने 149 का नोटिस इशू किया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जिस तरह से संजय नगर में टोरेंट पावर का विरोध हो रहा था, क्या उसी तरह से विरोध इनका जारी रहेगा या फिर विरोध इनका खत्म हो जाएगा। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।